अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है किडा न्यूज चैनल, तो किडा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर हम आपको तरह तरह के वीडियोस दिखाते हैं ताकि आप अच्छी सी इंग्लिश बोलना सीख सकें। फ्लुएंट इंग्लिश कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हम आपको लगातार सिखा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें किडा न्यूज को। मॉम अकेली लंदन जा रही हैं भैया के पास। अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मा को बड़ी दिक्कत होगी, उनको इंग्लिश नहीं आती। क्यों ना मैं उनको इंग्लिश के सिखा दूँ। अगर वो कुछ इंग्लिश सीख लेंगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब भैया के पास भी आसानी से पहुँच जाएंगी। ठीक है, मैं मम्मा को थोड़ी सी इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखा देती हूँ, रटा देती हूँ, ताकि उनको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना आए और एयरपोर्ट पर भी कोई दिक्कत ना आए। मॉम, आप भैया के पास अकेली जा रही हो तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इंग्लिश तो आती नहीं है। मॉम, यू आर गोइंग टू ब्रदर अलोन, आपको तो बड़ी दिक्कत आएगी। यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, एवरीवेयर। सो प्लीज लर्न सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आई विल टेल यू मॉम, आई टीच यू इंग्लिश, ओके, यू लर्न इंग्लिश। बेटी, तू कह तो ठीक रही है, मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर, यू आर सेइंग राइट, आई मस्ट लर्न इंग्लिश। मॉम, डू यू नो, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश एट द एयरपोर्ट। मॉम, डू यू नो, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश एट द एयरपोर्ट। नाउ आई टीच यू इंग्लिश, यू लर्न दीज सेंटेंसेस वेरी वेल। Now I teach you English sentences. You learn them very well. Okay? जो तुम कहोगे वही मैं रिपीट करती जाऊंगी ताकि मुझे ठीक से बोलना आ जाए। ओके? अब आप एयरपोर्ट पर पूछेंगी कि चेक इन कहाँ से करना है, तो इंग्लिश में कहेंगी From where can I check in? आपको जब सामान अंदर देना होता है तो उसको चेक इन कहते हैं। तो यू विल से फ्रॉम वेयर कैन आई चेक इन। फ्रॉम वेयर कैन आई चेक इन। फ्रॉम वेयर कैन आई चेक इन। ठीक है, फ्रॉम वेयर कैन आई चेक इन। आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको बोर्डिंग पास कहाँ से लेना है, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट बोर्डिंग पास। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट बोर्डिंग पास। आप किसी से भी इंग्लिश में बात करेंगे तब कहेंगे फ्रॉम वेयर कैन आई गेट बोर्डिंग पास। वेयर कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास। अगर वो आपसे पूछता है विच इज योर एयरलाइन, तो माई एयरलाइन इज ब्रिटिश एयरवेज। माई एयरलाइन इज ब्रिटिश एयरवेज। मेरी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज है, या माई एयरलाइन इज ब्रिटिश एयरवेज। माई फ्लाइट इज British Airways. My flight is British Airways. British Airways. जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आगे जाएंगे तब आप किसी से क्या पूछेंगे कि इंटरनेशनल डिपार्चर कहाँ है, इंटरनेशनल डिपार्चर गेट कहाँ है। Where is International Departure Gate? Where is International Departure Gate? Where is International Departure Gate? ठीक है? Where is Security Gate? क्योंकि Security Gate भी International Airline में Departure के बाद आता है। Where is
सिक्योरिटी गेट। वेयर इज सिक्योरिटी गेट? वेयर इज इंटरनेशनल डिपार्चर गेट? वेयर इज सिक्योरिटी गेट? जब आप वहाँ के एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे तब आपको वहाँ पर अपना सामान मिलेगा, तो आप किसी से पूछेंगे वेयर कैन आई गेट बैक माई लगेज, मुझे अपना सामान कहाँ से मिलेगा। वेयर कैन आई गेट माई लगेज बैक, फ्रॉम विच बेल्ट कैन आई गेट माई लगेज, कौन सी बेल्ट से मुझे अपना सामान मिलेगा। Where will I get my luggage? Where will I get my luggage? जब आपको अपना सामान मिल गया और आप सामान लेकर बाहर जाएंगे तब क्या कहेंगे? I want to go out of airport. मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाना है। I want to go out of airport. I want to take a taxi. मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाना है और मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी। आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ एयरपोर्ट। वेयर इज द वे? वेयर इज द वे? आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट। वेयर इज द वे? ओके गुड। तो आप इन सेंटेंसेस को याद करेंगी और आप अच्छी तरह याद होगा, फिर आप जब बाहर पहुंचेंगे तो भैया आपको लेने आ जाएंगे और आप खुशी से भैया के साथ टैक्सी से भैया के घर चली जाना। तो मेरा चैनल पसंद आता है किडानोज, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए किडानोज।